दोस्तों पेटीएम की एटीएम एप्लीकेशन का एक नया वर्जन आ गया। वीडियो में बताने वाला हूँ कि उस पर क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या अपडेट किए गए हैं पेटीएम द्वारा। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप करें आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों मैं हूँ समरजीत सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल प्योर टेक टॉक। फ्रेंड्स सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके और आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देख सके। आज पेटीएम की एटीएम एप्लीकेशन का एक नया अपडेट आ गया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कुछ बदलाव किए गए हैं। दोस्तों अभी तक जो 3.4.4 एप्लीकेशन का वर्जन था उसमें आपसे आधार कार्ड मांगा जा रहा था, वहां पर दोस्तों वर्चुअल आईडी का ऑप्शन नहीं आ रहा था। यानी कि अगर आप किसी कस्टमर की वर्चुअल आईडी डालते थे तो वो एक्सेप्ट नहीं करता था, वहां पे पूरी आईडी नहीं आती थी। तो दोस्तों सबसे पहला अपडेट तो यही है कि 3.5.0 वर्जन में आप आधार नंबर के साथ साथ वर्चुअल आईडी भी डाल सकते हैं कस्टमर की और उससे आप केवाईसी कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा अपडेट इस एप्लीकेशन का यह है कि जिन लोगों की केवाईसी एक्सपायर हो गई थी और उनको प्रॉब्लम आ रही थी जिसपे एग्रीकल्चर इनकम का एक एरर आ रहा था जैसा मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अगर आपकी केवाईसी एक्सपायर हो गई है फिर भी आप अब आधार कार्ड से केवाईसी करवा पाएंगे 3.5.0 वर्जन से। वो लोग अभी भी केवाईसी नहीं करवा पाएंगे आधार कार्ड से जिनकी केवाईसी आधार कार्ड ओटीपी वाली है। तो दोस्तों आप अपनी प्रोफाइल में जाइए और वहां पे चेक कीजिए, आपके नाम के नीचे अगर 2 लाख रुपीज 1 ईयर की लिमिट लिखकर आ रहा है तो आप अपनी केवाईसी अभी भी आधार कार्ड से नहीं करवा पाएंगे नए वर्जन में। लेकिन दोस्तों अगर वहां पे आपकी सिर्फ केवाईसी एक्सपायर दिखा रहा है, आपने आधार कार्ड से नहीं की थी, कोई और आईडी वहां पर डाली थी, तो दोस्तों आप अब आधार कार्ड से केवाईसी करवा पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच आज के वीडियो देखने के लिए।